नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और यहां हम लोग डायमेंशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस डायमेंशन में हमने 3 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डायमेंशन हम लोग कैसे बनाना सीखे हैं। उसके बाद इसका यूज, डायमेंशनल इक्वेशन के यूज पर हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाए और वहां पर आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। उसमें यूज नंबर 1 में हमने सीखा था कि आप किस तरह से किसी फिजिकल इक्वेशन को करेक्ट और नॉट करेक्ट बता सकते हैं डायमेंशन की सहायता से। यूज नंबर 2 में हमने ये सीखा था कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है, वहां पर हमें अगर अननोन फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका आप डायमेंशन किस तरह से निकालेंगे, ये हमने सीखा था। और यूज नंबर 3 की चर्चा हम लोग यहाँ आज करने वाले हैं। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन किस तरह से एस्टेब्लिश करने वाले हैं, इसको हम लोग यहाँ जानकारी लेंगे। देखते हैं, एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कॉपी और पेन निकालिए और इसको नोट भी करते जाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए हम लोग सीखेंगे आज रिलेशन एस्टेब्लिश करना। यहाँ एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूं। ये एक रिलेशन है टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का यह टाइम पीरियड है जो डिपेंड करता है उस पेंडुलम के मास पर, और डिपेंड करता है उस पेंडुलम के लेंथ पर, और डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। ये 3 बातों पर डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो यहां इसका मतलब यही है, ये जो दिखाया गया इसका मतलब यही है। हमें अब यहां से एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो किस तरह से आगे बढ़ते हैं देखेंगे। हमें क्या करना है कि आप इसको ले लीजिए, किया प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए और एक कांस्टेंट लगाइए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको कहते हैं। के एक कांस्टेंट आ गया और एम, एल और जी, इन तीनों पर ए, बी और सी पावर लगाते हैं। 3 क्वांटिटीज है, 3 पावर लगाएंगे, 2 क्वांटिटी रहेगा, 2 पावर लगाएंगे। अब देखिए आगे करना क्या है। हम लोग अब LHS और RHS के डायमेंशन को चेक करेंगे। LHS को देखिए, LHS में है T और T है टाइम पीरियड, तो T का डायमेंशन हो गया T। अगर आप इसको लिखना चाहें M0, L0 और T लिख सकते हैं। यहां पर T का पावर 1 है, डायमेंशन T का 1 है। RHS को अगर आप देखें तो RHS यह है कि K, M का पावर A, L का पावर B और G का पावर C। आप कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज का डायमेंशन छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे। M का डायमेंशन M, मास का डायमेंशन M, पावर A, लेंथ का L, पावर B और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का L T inverse 2 और पावर C। ये आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन हो, डायमेंशन पिछले वीडियो में मैंने बताया था L T inverse 2 ही होता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। M का डायमेंशन ये यानी कि पावर, L का B और यहां पर L का पावर C हो जाएगा और T का पावर -2C हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाइए, M कहीं और नहीं है तो रहने दीजिए, L है यहां है, L का डायमेंशन B और C यानी कि B+C हो जाएगा और T का डायमेंशन -2C हो जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है कि इक्वेशन ये जो LHS और RHS दिया हुआ है, बोथ साइड का डायमेंशन हमें अब इक्वेट करना है। आप यहां पर इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड वी गेट, इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड वी गेट आप लिख सकते हैं और आगे बढ़िए। यहां पर आप लिख लेंगे नाउ इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड वी गेट। देखिए एम का डायमेंशन देखिए, यहां पर LHS एम का डायमेंशन 0 दे रहा है, RHS एम का डायमेंशन 8 दे रहा है। M का डायमेंशन A और यहां पर M का डायमेंशन 0, मतलब यह कि अगर यहां बेस सेम है तो पावर भी सेम कर लीजिए और A का वैल्यू आपको 0 आ गया। A का वैल्यू निकल गया हमें कितना, 0। अब देखते हैं L का डायमेंशन B+C है, L का डायमेंशन 0 है, यहां भी इक्वेट कीजिए, L का डायमेंशन B+C एंड और L का डायमेंशन 0 यानी कि B+C=0। ठीक है, आगे देखिए, यहां से आप लिख सकते हैं B=-C। नाउ
और टी का देखिए जरा, टी का डायमेंशन यहाँ माइनस टू सी, टी का डायमेंशन माइनस टू सी और टी का डायमेंशन एलएचएस में है वन, तो यहां से आप बराबर कर लीजिए माइनस टू सी इक्वल टू वन, तो सी इक्वल टू माइनस वन बाई टू। सी का वैल्यू आपको माइनस हाफ आ गया, ए का वैल्यू आपको जीरो आ गया, बी का वैल्यू आप यहां कह रहे हैं कि भैया माइनस सी है, तो आप बी का वैल्यू निकाल लीजिए, देन बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस और सी का वैल्यू माइनस हाफ, यानी कि यह हो गया प्लस हाफ। बी का वैल्यू आपको आ गया प्लस हाफ, सी का वैल्यू माइनस हाफ और ए का वैल्यू जीरो। हमें मुख्य रूप से यहाँ यही करना होता है कि एलएचएस और आरएचएस को इक्वेट करते हुए ए बी सी या फिर ए और बी जो भी रहेगा उसका ये वैल्यू निकालना होता है। अब आते हैं समीकरण एक पर, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है इक्वेशन वन में, तो टी इक्वल टू के, ये कांस्टेंट था वही कांस्टेंट है, एम का पावर ए है ना, और ए का वैल्यू हम लोग कितना निकाले जीरो, तो एम का पावर जीरो दे दीजिए, एल का पावर बी, एल टू दी पावर बी और बी का वैल्यू कितना है हाफ, हाफ दे दीजिए, और जी का पावर सी और यहां पर है सी का वैल्यू कितना माइनस हाफ, माइनस हाफ। अब ये तो हो जाएगा वन, एम टू दी पावर जीरो वैल्यू कितना वन, किसी भी चीज का पावर जीरो वैल्यू वन, तो यह टी इक्वल टू के और ये हाफ का मतलब होता है रूट, अगर ए का पावर हाफ कह दे इसका मतलब रूट ए, ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इसका वैल्यू तो वन हो गया एम का पावर जीरो का, इसको आप लिखेंगे रूट अंडर एल, और ये भी हाफ है पावर लेकिन इनवर्स है माइनस में है, यानी कि यह नीचे रूट अंडर जी होगा। ओके, अब आप एक साथ लिख लीजिए यह टी इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी, यह हमारा रिलेशन आ गया। आप एक बार फिर से समझे इस क्वेश्चन को, ये एक नया क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है टी प्रोपोर्शनल एम एल जी। ओके, अब यहां पर हमें करना है एक कांस्टेंट लगा लीजिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और प्रोपोर्शन का साइन हटा लीजिए, यहां एम का पावर ए, एल का पावर बी और जी का पावर सी खुद से ले लीजिए। एलएचएस को देखिए, टाइम है टी है तो इसका डायमेंशन टी हो गया, और टी के आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एम का पावर जीरो, एल का पावर जीरो, टी का पावर वन। आरएचएस को देखिए तो कांस्टेंट और एम का पावर ए, एल का पावर बी, जी का पावर सी, इसके बाद एम का डायमेंशन एम, एल का डायमेंशन एल और जी का डायमेंशन एल, तीन वर्स टू और पावर है यहाँ सी। इसको सॉल्व कीजिए तो ये जैसे का तैसे दोनों उतरेगा, और यहाँ पर एल का डायमेंशन एल का पावर सी, टी का पावर माइनस टू सी, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एल का पावर बी प्लस सी हो जाएगा और टी का पावर माइनस टू सी। नाउ इक्वेटिंग द बोथ साइड्स ऑफ द डायमेंशन, अब दोनों तरफ के डायमेंशन को आप इक्वेट कीजिए, क्या मिलने वाला है, तो एम का पावर ए, एम का पावर जीरो, यहाँ एम का पावर ए है, यहाँ एम का पावर कितना है जीरो है, तो यहाँ से ए का वैल्यू आपको मिल गया जीरो। अब एल वाले पर आए तो बी प्लस सी, एल का पावर बी प्लस सी, यहाँ एल के पावर जीरो के बराबर, एल के पावर जीरो के बराबर, यानी कि बी प्लस सी बराबर जीरो, तो बी बराबर कितना माइनस सी। अब टी पर आइए, टी का पावर माइनस टू सी और टी का पावर वन, टी का पावर माइनस टू सी और टी का पावर वन, यहाँ से माइनस टू सी इक्वल टू वन, तो सी का वैल्यू माइनस हाफ, सी का वैल्यू जब अगर माइनस हाफ आ गया तो बी का वैल्यू माइनस और माइनस सी, यानी कि माइनस माइनस प्लस वन बाई टू। ओके, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन बी है, अब अगर आप ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप चले जाइए इक्वेशन वन पर। इक्वेशन वन में है टी इक्वल टू के एम का पावर जीरो, एल का पावर हाफ, एम का पावर जीरो मतलब कि ए का वैल्यू जीरो, एल का पावर बी मतलब बी का वैल्यू कितना हाफ हाफ, जी का पावर सी मतलब सी का वैल्यू माइनस हाफ। अब यहां से एम का पावर जीरो वैल्यू वन देगा, या रूट एल होगा या रूट अंडर जी होगा, या नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में क्योंकि यह इनवर्स में है। फाइनली आपका आंसर होगा टी इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी। ये क्वेश्चन आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग, अगला एग्जाम्पल है हमारा एफ प्रोपोर्शनल एम वी आर। एफ जो है यह फोर्स है और ये प्रोपोर्शनल है एम के मतलब मास के, वी मतलब वेलोसिटी के और आर मतलब रेडियस या डिस्टेंस।
हमें यहां इसका भी एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। देखिए आपको करना है यहां पर एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट डालिए, प्रोपोर्शनल साइन हटाकर मास का पावर ए, वेलोसिटी का पावर बी, आर का पावर सी, इक्वेशन नंबर वन। एलएचएस को अगर आप देखें, एलएचएस है आपका एफ, और एफ का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए ML 3 vs 2 एफ फोर्स। अब यहां से आरएचएस पर भी आइए, आरएचएस को देखें तो के एम का पावर ए, वी का पावर बी, आर का पावर सी। अब कॉन्स्टेंट को छोड़िए, इसका डायमेंशन, मास का डायमेंशन एम, ए पावर ए, वेलोसिटी का एल टी इनवर्स पावर बी, और ये एल हो जाएगा, डिस्टेंस है, रेडियस है सी। एम का पावर ए, एल का पावर बी हो जाएगा, और टी का पावर माइनस बी हो जाएगा, फिर यहाँ एल का पावर सी है, फाइनली एम का पावर ए, एल का पावर बी और सी, यानी कि बी प्लस सी, टी का पावर माइनस बी। ये इतना काम हमें करना है। अब इसके बाद आप देखिए एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन को इक्वेट कीजिए। आप फिर से वही बात, नाउ इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस वी गेट, आगे देखिए यहां पर एम का डायमेंशन ए है, यानी कि एम का डायमेंशन ए है, और यहां पर एम का डायमेंशन कुछ नहीं है फिर भी वन है, यानी कि ए का वैल्यू आपको आ गया कितना, वन। एंड यहां देखिए आप एल का डायमेंशन बी प्लस सी, यहां पर एल का डायमेंशन वन, यानी कि बी प्लस सी आपको आ रहा है वन। फिर आगे आ जाइए आप, अब टी का डायमेंशन यहां माइनस बी, या टी का पावर माइनस बी, और यहां पर टी का पावर माइनस टू, यानी माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बी का वैल्यू आ गया टू, और सी का वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, आप लिखें सिंस बी प्लस सी इक्वल टू वन, बी प्लस सी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू वन माइनस बी, यानी वन माइनस टू, यानी कि सी इक्वल टू माइनस वन। अब आपको सारे चीज मालूम हो गए, ए का वैल्यू हो गया वन, बी का वैल्यू हो गया टू, और सी का वैल्यू हो गया माइनस वन। अब यहां पर आपको जाना है फिर से इक्वेशन वन पर, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है देखिएगा। इक्वेशन वन, एफ इक्वल टू के एम का पावर ए है, और ए का वैल्यू कितना है वन, ठीक है। उसके बाद वी का पावर बी, और बी का वैल्यू कितना है टू है, और उसके बाद आर का पावर सी, मतलब इसका पावर माइनस वन है। फाइनली एफ इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर, यह फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन में हम लोग इसका स्टडी करने वाले हैं, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर का। ये आप देखिए और इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान चीज है। और भी एग्जाम्पल्स है आपको मैं दे रहा हूं, कुछ होमवर्क में भी आप बनाएंगे, या फिर एक और मैं बनाने की कोशिश करता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लें या नोट करें। यह है हमारा अगला एग्जाम्पल, जो v है वेलोसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के, और रेडियस यानी कि डिस्टेंस के। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या आपको इसलिए दिए हैं कि अभी तक आपने तीन तीन वेरिएबल्स या तीन तीन क्वांटिटी देखे थे, यहां पर हमें दो क्वांटिटी है, एक जी कैपिटल स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और दूसरा आर। फिर से आपको वही करना है, वी इक्वल टू के जी का पावर ए और आर का पावर बी, या दो है तो बस कोई बात नहीं है, ए और बी पर ही रुक जाएंगे। देखिए इक्वेशन नंबर वन, नाउ एलएचएस को आप देखिए, तो एलएचएस है आपका वी, और वी मतलब वेलोसिटी है, या एल टी इनवर्स। आरएचएस को देखिए, तो आरएचएस है आपका के जी का पावर ए और आर का पावर बी, और कॉन्स्टेंट को छोड़ दीजिए तो इसका डायमेंशन एल टी इनवर्स टू होता है, और इस पर जो पावर है वह ए है, पावर है वह ए है, और इसका डायमेंशन एल होता है, पावर है वह बी है। एल का डायमेंशन पावर यहां हो जाएगा ए, टी का पावर माइनस टू ए, फिर यहां एल का पावर बी। फाइनली आपको मिलने वाला है एल का पावर ए प्लस बी, और टी का पावर माइनस टू ए। अब यहां से आप आगे बढ़िए, करना अब यह है कि एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन को आप इक्वेट कीजिए।
तो इक्वेट कीजिए, वही सेंटेंस लिखिए जो हमने पिछले एग्जांपल्स में बताया है। और यहाँ पर देखिए एल का डायमेंशन यहाँ वन है, एल का डायमेंशन यहाँ ए प्लस बी है, एल का डायमेंशन ए प्लस बी यह बराबर होगा एल का डायमेंशन वन की, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना है वन। यहाँ देखिए टी का पावर माइनस टू ए, यानी माइनस टू ए डायमेंशन, और टी का यहाँ पर पावर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस टू ए इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस काट दीजिए, और ए का वैल्यू जो आपको आने वाला है यहाँ पर, ए का वैल्यू हाफ आने वाला है। जब ए का वैल्यू हाफ है तब बी का वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, ए प्लस बी इक्वल टू वन है, ए का वैल्यू हाफ है तो बी का वैल्यू भी कितना होगा, हाफ ही होगा। ए का वैल्यू हाफ, बी का वैल्यू हाफ, तो अब आ जाइए इक्वेशन नंबर वन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव, क्या मिलेगा हमें, तो वी इक्वल टू के जी का पावर ए मतलब कि हाफ, और R का पावर B मतलब कि हाफ, यानी कि V इक्वल टू K, और दोनों को आप रूट में रख दीजिए जी आर। ये हमारा आंसर हो गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका यूज नंबर थ्री देखे थे डायमेंशन के, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज नंबर फोर और फाइव। फोर में कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, तो फोर और फाइव कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में निपटा ले, और इस तरह से आपको डायमेंशन में लगभग जानकारी हो गया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो की इंतजार कीजिए, जल्द ही लोड होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, और बहुत सारी जानकारी है फिजिक्स में जो आपको हम देने वाले हैं इलेवन से लेकर ट्वेल्व तक, वीडियो बहुत ही बेहतर होगा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।